हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चले। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी, हमारे दिमाग में आता है इलास्टिसिटी क्या होता है। तो कभी भी किसी एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितनी परसेंटेज से चेंज आएगा, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। यहाँ पर सेम डेफिनेशन मेंशन्ड है, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल इज नोन एज इलास्टिसिटी। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 3 टाइप की इलास्टिसिटीज पढ़नी है। पहली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट अस टेक देम वन बाय वन। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि हमारे प्राइस में कुछ परसेंट चेंज करने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो ये डेफिनेशन क्या हुई, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट हाउ मच परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है अ गुड हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, वो इलास्टिक डिमांड होगी। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि अगर हम अपने प्राइस में कुछ चेंज करेंगे तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट आएगा, या तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी, बट उस पर इफेक्ट आएगा। तो जब इफेक्ट आता है तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक, जब इफेक्ट नहीं आता है तो हम उसे बोलते हैं इनइलास्टिक। तो अब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में इलास्टिक होती है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो 5-star और 12-1 है, अब ये दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। 5-star का प्राइस हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, 5-star की डिमांड कम हो जाएगी। अब जो लोग प्रेफर करते हैं चॉकलेट्स खाना तो वो 12-1 पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से 12-1 की डिमांड बढ़ गई। अब 12-1 के प्राइस में हमने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन 5-star के प्राइस चेंज करने से 12-1 की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हुआ, क्लोज सब्स्टिट्यूट के केसेस में क्या हुआ कि हमारी डिमांड इलास्टिक हो गई। अब अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। अब जैसे वाटर है, वाटर को तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह तो कुछ और खरीद नहीं सकते। कभी कभी इट्स ओके, बट वैसे तो यूजुअली इनइलास्टिक रहेगी। सेकंड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो फॉर नेसेसिटीज। अब वही बात आ जाती है, जैसे वाटर है, फूड है, इनको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर लग्जरी है, कोई भी लग्जरी ले लो, कार ले लो, कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, अगर वो अभी उसका प्राइस ज्यादा है तो हम उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लग्जरीज के केसेस में हाई होगी। नेक्स्ट आता है कि जितने ज्यादा यूजेस होंगे एक कमोडिटी के, उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर मिल्क। अब मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उससे कुछ और बना सकते हैं, तो देर आर एन नंबर ऑफ यूजेस फॉर मिल्क। लेकिन अगर मिल्क का प्राइस जो है बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उसे सिर्फ उन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जो हमारे लिए नेसेसरी है, तो हम सिर्फ उसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रादर देन मेकिंग समथिंग एल्स। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ प्राइस इज ऑलरेडी हाई, फर्दर राइज विल लीड टू फॉल इन द डिमांड, दस प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर। अब किसी भी कमोडिटी का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है, फिर भी हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी उसकी नीड है, लेकिन अगर और प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड कम हो जाएगी। हम एक लेवल तक ही प्राइस राइज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, तो उन केसेस में भी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब प्राइस इलास्टिसिटी के 5 केसेस होते हैं, 2 एक्सट्रीम कंडीशंस हैं और 3 नॉर्मल कंडीशंस हैं। जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है वो एक्सट्रीम है, या फिर 0 होती है तो भी एक्सट्रीम है, अगर 1 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है तो वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाता है। तो जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 तो वो होगा इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है तो दैट कमोडिटी विल बी इन इलास्टिक। तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, तो उसमें क्या होगा कि कितना भी हम प्राइस में चेंज कर ले, हमारी कमोडिटी की क्वांटिटी की कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने पहले प्राइस जो है 1 था, फिर 2 किया, 3 किया, 4 किया, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है इसी पर। तो इसमें क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, वर्टिकल। नेक्स्ट है जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, मतलब कि थोड़ा सा चेंज करने की वजह से प्राइस में हमारी डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होगी, और उस केस में हमारा जो है कर्व कैसा होगा,
हॉरिजॉन्टल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल है, उसमें क्या होगा कि हमने जितना चेंज अपने प्राइस में किया है उतना ही चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। सपोज करो हमने 10% से अपना प्राइस बढ़ाया तो 10% से उसकी डिमांड या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो तब क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी सेम है कि हमारा जब टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसके क्या मतलब है कि हमारा जो प्राइस में चेंज है वो कम है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है प्राइस चेंज की वजह से वो बहुत ज़्यादा है, और उसी का उल्टा होगा जब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम होगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए उनको हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड आता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम और क्या बोलते हैं, मार्शल यूनिटी मेथड। अब इसमें मार्शल ने ये मेथड दिया था एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मार्शल यूनिटी मेथड। अब ये मेथड समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो हम अपने प्राइसेस को कभी तो बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं यहाँ पर, और क्वांटिटी भी ऐसे ही कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर, अगर हम नोटिस करें स्टार्टिंग में जब हमारा प्राइस या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है हमारी टोटल एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के इक्वल है। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमारा जो है अगर प्राइस हमने इंक्रीज किया 2 to 4 तो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, लेकिन अगर हमने प्राइस को कम किया तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो जब भी टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी, और ऑपोजिट केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रहेगी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम एक केस को याद रखेंगे तो दूसरा केस हमें ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो अब इसमें सेम चीज मेंशनड है। अब अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट मेथड आता है परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड को भी हम फ्लक्स मेथड के नाम से बुलाते हैं, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज मैथमेटिकल मेथड। अब ये नाम याद रखने जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि परसेंटेज मेथड की जगह फ्लक्स मेथड लिख देते हैं क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। ऑल्सो यहाँ पे भी सेम है कि अगर प्राइस में कितना परसेंट चेंज आ रहा है उसकी वजह से कितना परसेंट डिमांड में चेंज आ रहा है, तो ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मार्शल ने दी थी और इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारे एक पॉइंट को ले लेंगे हम ग्राफ पर, और उस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी क्या आ रही है वो बताएगा ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अगर उससे नीचे जाएंगे तो इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, और अगर पी से ऊपर जाएंगे तो इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट केस क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस है इम्पॉर्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो शेप होती है डिमांड कर्व की वो ऐसे होती है, तो इसमें राधर दैन हमारी इलास्टिसिटी जो है ऊपर इनफाइनाइट होगी और नीचे आकर जीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ केस नहीं होता। हर एक पॉइंट पर इस पूरे हाइपरबोला पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 रहेगी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 ऑलवेज एट एवरी पॉइंट। अब जो हमने मेथड डिस्कस करे पॉइंट इलास्टिसिटी और परसेंटेज मेथड, इनकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जब हमारा जो चेंज है प्राइस में वो कम हो तो माइन्यूट चेंज तब होगा, तभी ये मेथड्स आर यूजफुल। अगर चेंज बहुत मेजर है, इफ मेजर चेंज इज देयर देन वी यूज आर्क मेथड। तो अब हम आर्क मेथड पे आते हैं। तो आर्क मेथड में क्या है, आर्क क्या होता है, इट इज अ पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व। जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड सी, तो ए और सी इज एन आर्क, राइट। तो अब इस केस में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने चेंज इन क्यू ले लिया, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हमने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी के एवरेज से, ऐसे ही चेंज इन प्राइस को डिवाइड कर दिया प्राइस के एवरेज से, तो हमारा ये फॉर्मूला आता है, इसको याद रखना आर्क मेथड के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम रेवेन्यू मेथड पर। रेवेन्यू मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो है ये वाला। तो इसमें क्या है, AR upon AR minus MR is equal to elasticity of demand. यहाँ पर MR क्या है, marginal revenue, और AR क्या है, average revenue. अब marginal revenue क्या होता है, total revenue 2 minus total revenue 1.
तो ये देता है हमें MR, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू जब हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, जितनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स होंगी तो उससे हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तो दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब इसी से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज़ MR इज इक्वल टू प्राइस ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। अब जैसे सपोज करो अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं MR इज इक्वल टू प्राइस 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि हमने इलास्टिसिटी 1 ली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा MR, तो MR इज इक्वल टू 0। तो यही लिखा हुआ है, जब इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होगी तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा MR पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो MR नेगेटिव होगा। तो ये सारे केसेस लिखे हुए हैं, अगर आप इन सबको पुट करोगे इस फॉर्मूला में तो ये आपको मिल जाएगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि अगर इलास्टिसिटी 1 होती है तो हमारा MR क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इन शॉर्ट रेवेन्यू मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगैन, इफ देर इज एनी डाउट इन एंटायर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स देन यू कैन पुट योर डाउट्स इन दी टेलीग्राम ग्रुप, दी लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला थ्योरम क्या है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर स्ट्रेट लाइन पे निकालते हैं हम, तो जो डिमांड कर्व है वो किस में वैरी करेगा, 0 to infinity में। हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था ना, जैसे ये डिमांड कर्व था, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो थी वो इनफाइनाइट थी, नीचे आके 0 हो रही थी, यहाँ पे बीच में इक्वल टू 1 थी। तो ये सारा क्या है, इनफाइनाइट से 0 के बीच में लाया कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम क्या है कि कोई भी दो अगर हमारे पैरेलल डिमांड कर्व्स हैं, तो जो ओरिजिन के ज़्यादा पास होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला ओरिजिन के ज़्यादा पास है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरम। और थर्ड थ्योरम क्या बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा डिमांड कर्व फ्लैटर होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी इलास्टिसिटी हाई होगी। सो फ्लैटर द कर्व, हायर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड स्टीपर द कर्व, लोअर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये याद रखना। तो ये थर्ड थ्योरम है। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करते हैं, उनमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आप खुद से पढ़ लेना क्योंकि दे आर वेरी इजी एंड एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट यू शुड नो दैम इन केस अगर आ जाता है। तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। हमने पहले ही पढ़ा है कि नेसेसिटी के केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इन इलास्टिक। कंफर्ट के केस में यूनिट इलास्टिक होगा, और लग्जरी के केस में इलास्टिक होगा। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, 5-star और 52 वाला, सेम इज हेयर कि अगर ज्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे तो हाई इलास्टिसिटी होगी, और अगर कम होंगे तो इन इलास्टिक होगा। नेक्स्ट है गुड्स विद डिफरेंट यूजेज। यहाँ पर हमने मिल्क वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो वो सेम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर कोई हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है इन इलास्टिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाई इनकम वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी प्राइस ज्यादा हो जाए, और लो इनकम वाले का क्या है, वो ऑलरेडी नेसेसिटी को कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो अपने बेसिक नीड्स को तो नहीं खत्म कर सकता, तो उनकी डिमांड जो है इन इलास्टिक रहेगी। लेकिन मिडिल लेवल के लिए हमेशा डिमांड जो है इलास्टिक होगी। अब हैबिचुअल है अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं स्मोकिंग वाला एग्जांपल, तो अगर कोई सिगरेट के लिए हैबिचुअल है तो वो क्या करेगा, वो उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उसे हैबिट पड़ी हुई है तो वो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। तो वहाँ पर जो है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो जाती है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर हम बहुत ज़्यादा इनकम स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम एसी लेने जाते हैं या टीवी लेने जाते हैं, तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि उसका प्राइस क्या है। तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो हम जल्दी खरीद लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब कि हमारी डिमांड कम हो सकती है, तो वो हाई इलास्टिक होगा। लेकिन अगर हमारा जो इनकम स्पेंड है वो लो है उस पर, तो उसकी इलास्टिसिटी भी लो होगी। तो ये आगे भी सेम चीज़ें हैं, अगर कुछ समझना है तो यू कैन पोस्ट इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि परसेंटेज चेंज इन इनकम की वजह से हमारा कितना परसेंट चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में। सो दिस इज दी फॉर्मूला, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द सेम थिंग। आगे चलते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो हो सकती है। अब इसके अलग अलग केसेस बनेंगे, तो हम पहले फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे पॉजिटिव का, सेकेंड नेगेटिव का, और थर्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी का। तो पहले पे चलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इसमें क्या है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं तो ये केस बनता है कि हमारी इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होगी, जब जो हमारा गुड है वो नॉर्मल हो। तो इस केस में जो हमारा डिमांड कब होगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन केसेस बनते हैं। यूनिटरी, जिसमें कि हमारी जितना चेंज इनकम में आ रहा है उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। लेस देन यूनिट, मतलब कि हमारा इनकम में चेंज ज्यादा है और डिमांड में कम है। और मोर देन यूनिटरी में क्या होगा कि हमारा जो है डिमांड में चेंज ज्यादा है और इनकम में कम है। अब आते हैं नेक्स्ट केस, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो ये कब होगी, इन्फीरियर गुड्स के केसेस में। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होगी। इसमें भी हमने एग्जाम्पल लिया था बाजरा का। तो ये सारा फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड है। अगर किसी को ये समझना है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगी, नेसेसिटी गुड के केसेस में। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कोई भी अगर चेंज आता है इनकम में तो उसकी वजह से हमारा डिमांड में चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीट है, अगर हमारी इनकम बढ़ भी जाती है तो भी तो हम वीट ही कंज्यूम करेंगे ना। तो जब जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, तो कर्व जो है वो वर्टिकल होता है। और ये हमारा केस है इन्फीरियर गुड्स का। इन्फीरियर गुड्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और नॉर्मल गुड्स में अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव रिटन हियर। इसमें क्या होता है कि अगर एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से किसी और गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो तब होती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर जो है दो गुड्स इन्वॉल्व होंगे। बाकी केसेस में हम क्या कर रहे थे, गुड एक था और दूसरा वेरिएबल या तो इनकम था या प्राइस था। यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल्स है वो दो गुड्स होंगे। तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट का केस या कॉम्प्लीमेंट का केस। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। आगे चलते हैं हम, पहले तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। अब इसके केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स के केसेस में होंगी। कैसे, सपोज करो कि टी का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो गई। अब जो लोग टी कंज्यूम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे उसका, ताकि वो कंज्यूम कर सके। तो उन्होंने कॉफी ढूंढा, तो कॉफी का क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर हमने कॉफी के प्राइस में तो कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन टी के प्राइस की चेंज होने की वजह से कॉफी की डिमांड में चेंज आया। सो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हुआ एक गुड का और डिमांड इंक्रीज हुई दूसरे गुड की। तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा हमारा डिमांड कर्व। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर भी, कार एंड पेट्रोल का ले लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो कार का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इन शॉर्ट उसकी डिमांड कम हो गई। अब लोगों के पास कार ही नहीं है तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे भी डिमांड गिर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस तो कार का इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड पेट्रोल की कम हुई। तो इन शॉर्ट यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब इसको याद करने का एक तरीका है, CNN, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। आप कार्टून नेटवर्क से याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमें MCQ टिक करने होते हैं, तो वहाँ पर एकदम से हम पूरा पूरा एग्जाम्पल लेके नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। तो दीज आर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो CNN मीन्स कि हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो नेगेटिव होगी। तो इसे आप कार्टून नेटवर्क से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो इलास्टिसिटी। अब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी, जब गुड्स जो है नॉन रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक्स एंड ऑयल। अब अगर बुक्स की डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस पे ऑयल के। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो हम अगर बुक खरीदना कम थोड़ी कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो उनका जो है डिमांड का वर्टिकल होगा। नेक्स्ट आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारे सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशनड है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, लेकिन अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप उन दोनों के बीच में रिलेशन बना पाए। तो नेक्स्ट आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो होता क्या है कि हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्वांटिटी सप्लाइड पे कितना इफेक्ट पड़ा। तो ये प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से है कि अगर गुड का प्राइस कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, उससे उसके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा। इसमें भी वही सेम केसेज है जो डिमांड में थे। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसका क्या मतलब है कि हम चाहे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी भी बढ़ा ले तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है प्राइस पर। तो इस केस में क्या होगा, जो सप्लाई कर्व है वो
हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी इक्वल टू इन्फाइनिट। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या है कि प्राइस में कितना भी इफेक्ट आ जाए, प्राइस कितना भी तुम चेंज कर लो, बढ़ा लो या कम कर लो, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितना वो सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास अब रॉ मटेरियल ही अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस करने गए तो चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, हम 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी इक्वल टू जीरो और उसका जो कर्व है वो वर्टिकल होगा। यूनिटरी में क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया उतना ही हमारा परसेंटेज चेंज आया होगा प्राइस में। तो इस केस में इट इज अपवर्ड स्लोपिंग और यहाँ पर इट इज इक्वल टू वन। अब मोर देन यूनिटरी वन में क्या होगा कि प्राइस में कम चेंज आया और क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा ये फ्लैटर हो जाएगा। नेक्स्ट केस में ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा। तो हमें बस यही याद रखना है कि जितना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगी या इलास्टिक होगी उतना ज्यादा कर्व फ्लैटर होगा। स्टीप कब होगा, जब इनइलास्टिक होगी, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा ही याद रखना है। तो सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी में इतना ही याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते भी नहीं है और ये मेंशनड भी नहीं है सिलेबस में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।